జటాటవి గలజ్జల ప్రవాహ పావిత స్థలే గలేవలంబెలంబితాంభుజంగ తుంగ మాలికాం డమడ్డ మడ్డ మడ్డ మడ్ నినాద వడ్డ మర్వయం చకార చండ తాండవం తనోతు నః శివ శివం శివం. నమస్కార్, ఆప్ సబ్కా హమారే ఛానల్ జ్ఞాన్ ద ట్రెజర్ పర్ స్వాగత్ హై. ఔర్ హమ్ ఆప్కో బతాయేంగే శంఖ సంహితా కే హిసాబ్ సే కి దక్షిణావర్తి శంఖ కిస్ తరహ आपकी दरिद्रता को, आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख कल्प के बारे में लिखा गया है कि जब भी व्यक्ति सभी तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता, जब आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है दक्षिणावर्ती शंख. इसकी विधि पूर्वक स्थापना करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है. यदि आपने भगवान विष्णु के या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर दक्षिणावर्ती शंख अर्पित कर दिया, दान दिया, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो यदि आपने यह कर दिया तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा. कितनी बड़ी, कम से कम 17-18 सेंटीमीटर का जो होते हैं बड़े से, जिसमें जब पुजारी जब पूजा होता है तो शंख में पानी डाल के सब पे छिड़कते हैं, तो बड़ा शंख होना चाहिए. व्यापार जितना बड़ा रखेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वो अपने आप में समाहित करेगा अपने घर के अंदर. घर के अंदर रखते हैं तो भी, और विष्णु जी के मंदिर में करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है. वहाँ पे दान करना है. व्यापार स्थल के पूजा स्थान पर अथवा गल्ले तिजोरी में रखकर नित्य पूजन और दर्शन जो व्यक्ति करता है, वहाँ से दरिद्रता, अभाव, असफलता और रोगों का नाश होता है. ये शास्त्रोक्त सत्य हैं. दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी का सहोदर है. भगवती महालक्ष्मी और दक्षिणावर्ती शंख दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल पूजन के लिए शुभ माना जाता है. इसलिए विष्णु जी को स्नान करने से, जब आप करवाते हैं स्नान, आप शालिग्राम स्थापित करके जब आप स्नान करते हैं तो आपको उनकी कृपा मिलती है. इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं. और यदि आपने घर में जो लक्ष्मी नारायण शालिग्राम की स्थापना कर देते हैं और फिर दक्षिणावर्ती शंख से जब आप उनका स्नान करवाते हैं और तुलसी का पत्ता जब उन पर आप अर्पित करते हैं, तो समझिए कोई प्रॉब्लम आपको जिंदगी में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा प्रॉब्लम्स. जिन लोगों की कोई मनोकामना है वो विष्णु जी को केसर का तिलक लगाएं. ऐसा करने से आपका भाग्य मजबूत होगा, पर उससे पहले आपको दक्षिणावर्ती शंख से उनको स्नान कराना है. सारी इच्छाएं पूरी होगी. अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो भगवान विष्णु को, शालिग्राम को दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर आप उन पर अर्पित कीजिए, उससे नहलाएं. इससे मानसिक तनाव और परेशानियां कम होगी, खत्म भी हो जाएगी. जिन लोगों की शादी में अड़चने आती हैं वो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर वहां पे बड़ा सा शंख उनको अर्पित कर सकते हैं. इससे आपका विवाह जल्दी होगा. सुख और शांति के लिए गायत्री मंत्र का जब भी बहुत प्रभावशाली होता है तो किसी विष्णु जी के मंदिर में जाकर आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आप दक्षिणावर्ती शंख वहां पे अर्पित कर दीजिए. तो चारों तरफ से दक्षिणावर्ती शंख जो है आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है. समस्त ऐश्वर्य प्रदायिनी भगवती महालक्ष्मी को संपूर्ण रूप से आबद्ध करने की इच्छा रखने वाले को इस चमत्कारी दैवीय वस्तु का उपयोग करना चाहिए. शंख की महिमा और महत्व प्रत्येक अनुष्ठान में विशेष रूप से है. यह विष्णु के चार आयुधों में प्रमुख है. प्रत्येक विशेष पूजा में शंख द्वारा अभिषेक का महत्व है. दक्षिणावर्ती शंख का और भी ज्यादा महत्व है. प्रत्येक पूजा में इसे पवित्र माना गया है. लक्ष्मी से संबंधित जितने भी प्रयोग हैं वे दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग की तुलना में कुछ भी नहीं है. शुद्ध, श्रेष्ठ, असली, प्रमाणिक दक्षिणावर्ती शंख को घर में स्थापित कीजिए. बड़ा सा भी स्थापित कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता हो. दक्षिणावर्ते शंखाए यस सद्दितनष्टि मंगलानी प्रगवंते तस् लक्ष्मीयं स्वयं स्थ्रा. तो मंत्रों से आप उनका आह्वान कर सकते हैं. दक्षिणावर्ती शंख जिस घर में रहता है वहां सब मंगल ही होते हैं. लक्ष्मी स्वयं स्थिर होकर निवास करती है. जिस घर में
उत्तम दक्षिणावती शंख की पूजा होती है वो सौभाग्यशाली तथा धनपति बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा के अमृत मंडल से संचित समुद्र से उत्पन्न अंतरिक्ष वायु और ज्योति मंडल को अपने भीतर सजाने वाला यह विशिष्ट शंख शत्रुओं को निर्बल करने वाला, रोग अज्ञान अलक्ष्मी को दूर करने वाला, भगाने वाला और आयु का वर्धक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक आख्यान आया है तो वहां पे लिखा हुआ है कि यह शंख तो चंद्रमा और सूर्य के समान देव स्वरूप है, इसके मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में गंगा का निवास है, शंख में सारे तीर्थ विष्णु आज्ञा से निवास करते हैं और यह कुबेर का स्वरूप है, अतः इसकी तो पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और इसके दर्शन मात्र से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख के बारे में प्रत्येक ज्ञानी सिद्ध पुरुषों ने अवश्य ही विशेष महिमा वर्णित की है और इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों में प्रमाणिक पंक्तियां लिखी हुई है। तो दक्षिणावर्ती शंख का जो प्रयोग है वो कमाल है। शंख संहिता से लिखा हुआ है कि रावण और इंद्र जैसे तांत्रिकों के पास भी दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना के कारण ही आर्थिक उन्नति का परिणाम जो प्रमाण है वो मिलता है। गुरु गोरखनाथ गोरख संहिता से मैंने पढ़ा है कि दक्षिणावर्ती शंख कल्प प्रयोग एक श्रेष्ठ तांत्रिक प्रयोग है और इसका प्रभाव तुरंत और अचूक होता है, किसी भी माध्यम से धन कमाने में अचूक होता है, ये इसकी शक्ति है। और ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई चीज़ें आपको बता रहा हूँ। महर्षि पुरुषत्व संहिता में लिखा हुआ है कि दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग आश्चर्यजनक रूप से सफलतादायक है, अपने आप में अद्वितीय है, धन वर्षा करने और सुख समृद्धि प्रदान करने में इसकी कोई तुलना नहीं है। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी को प्राप्त करना और इसे स्थायी रूप से घर में निवास देने का एकमात्र साधन दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग है, जो कि आश्चर्यजनक रूप से धन देने में समर्थ है। इसके प्रयोग से ऋण दरिद्रता तथा रोग आदि सब मिट जाते हैं तथा हर प्रकार से संपन्नता आने लगती है। भगवत पाद आदिगुरु शंकराचार्य दक्षिणावर्ती शंख जो है उनके अनुसार उपयोग जो है एक तांत्रिक प्रयोग कहा जाता है, जिसका प्रभाव तुरंत और अचूक होता है। दक्षिणावर्ती शंख का जो स्वरूप है यह महत्वपूर्ण शंख श्वेत हो, वजन में भारी हो, बड़ा हो तथा दक्षिण की ओर मुंह खुला हो, वही शंख दक्षिणावर्ती शंख कहलाता है। इसे भी चक्रित करना पड़ता है। शंख लेकर सीधे उसकी पूजा करने से लाभ प्राप्त नहीं होता है, इसे विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करना होता है और अष्टोत्तर लक्ष्मी प्रयोग से संपन्न एवं अष्टलक्ष्मी मंत्र सिद्ध कुबेरों की जो कुबेर जी का मंत्र है उससे आपूरित प्राण प्रतिष्ठा युक्त शंख ही साधना के लिए पूर्ण फलदायक होता है। तो जिस घर में यह शंख रहता है वो कभी भी धन्य धान्य से रिक्त नहीं रहता। भगवान विष्णु का आयुध होने से यह अत्यंत मंगलकारी है। तो दक्षिणावर्ती शंख आप अपने घर में रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, जरा भी प्रॉब्लम हो, आप दक्षिणावर्ती शंख को ले जाकर आप श्री भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अर्पित कर दीजिए और फिर देखिए कमाल क्या होता है। जितना ज़्यादा वजन, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि दीपावली आने वाला है तो बहुत सारी चीज़ें आप shivago.com से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें जेन्यून मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सर्टिफाइड मिलेगी जो लैब टेस्टेड होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और साथ ही मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो वीडियोज़ हैं जो किसी का भला कर रहा हो, जिससे किसी का भला हो इस प्रयोग को करने से, तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस तरह के जो वीडियोस हैं उसे आप शेयर कर दें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। हमारे धर्म से रिलेटेड है, हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड है और हमारे सनातन धर्म जो है एक विज्ञान है, तो हम जो आपको बता रहे हैं एक वैज्ञानिक टोटका बता रहे हैं, वैज्ञानिक उपाय बता रहे हैं। ये सिर्फ धर्म नहीं है, हमारा सनातन धर्म एक विज्ञान है और विज्ञान का एक रूप है वो शंख है। जिस शंख को आप यदि आप घर में रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी प्रगति होती रहेगी,
उससे लोग इलाज करते हैं। आप शंख का पानी यदि आप रोज पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपकी समाप्त हो जाती है। हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेसर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू।